सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्ट्रेंज अपडेट के एपिसोड नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है, जिधर हम लोग बात करते हैं जो वीकली लाइक मूवीज एंड सीरीज की अपडेट निकल के आती है उनकी। एंड भाई इस वीक भी काफ़ी सारी मस्त अपडेट निकल के आई है, खासतौर से जो मार्वल के फैंस हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सारी अपडेट निकल कर आई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 1 की तो निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर की तरफ से। देखो भाई सेकंड ट्रेलर का वेट सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इसके ट्रेलर का एक डिस्क्रिप्शन भी लीक हो गया था, जिसके अकॉर्डिंग भाई इसमें आप लोगों को काफी सारे वो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो आपने ओल्ड स्पाइडरमैन की मूवीज में देखे थे। ऑल्दो इसमें आप लोगों को टोबी एंड एंड्रयू का स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा, ऐसा भाई उस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। अब भाई काफी सारे लोग के अकॉर्डिंग वो जो डिस्क्रिप्शन लीक हुआ था वो भाई सही है, एंड कुछ लोग के अकॉर्डिंग भाई जो डिस्क्रिप्शन है वो फैन मेड है। तो अब ये चीज तो भाई जब कन्फर्म होगी जब सेकंड ट्रेलर रिलीज होगा, बट काफी सारे लीक सब निकलते जा रहे हैं एंड अपडेट ऐसी आई कि आप लोग को नवंबर में ही स्पाइडरमैन का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, ये चीज अब ऑलमोस्ट कन्फर्म होती जा रही है। सो अगर आप लोग इसके सेकंड ट्रेलर का वेट कर रहे थे ना, आप लोग को सिर्फ अक्टूबर तक वेट करना, आप लोग को नवंबर में इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर कोई न्यू अपडेट निकल कर आती है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की तो निकल कर आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के सेकंड पार्ट की तरफ से। भाई सेकंड पार्ट जो है आप लोग को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, बट अपडेट ऐसी निकल कर आ रही है कि इसका जो ट्रेलर है वो आप लोग को इस बार जो डिज्नी प्लस का डे होने वाला है 12 नवंबर को उसी दिन देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। एंड अगर भाई ऐसा होता है काफी अच्छी बात होगी, बिकॉज आई थिंक आप लोग स्पाइडरमैन के बाद इस मूवी का काफी ज्यादा वेट करोगे, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर आप लोग को स्पाइडरमैन मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। एंड मैंने इसलिए आप लोग को बोला कि भाई स्पाइडरमैन का ट्रेलर आप लोग को नवंबर में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज भाई डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले स्पाइडरमैन का ही ट्रेलर आप लोग को देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज उसमें उनका कैमियो आप लोग को देखने को मिल रहा है। सो भाई जितनी कंफर्मेशन निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को नवंबर में स्पाइडरमैन का सेकंड ट्रेलर एंड भाई दिसंबर में आप लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 3 की तो निकल कर आ रही मनी हाइस्ट वेब सीरीज के वॉल्यूम 2 की तरफ से। अभी भाई रिसेंट टाइम में इसका एक टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें भाई हम लोग देख रहे थे जो स्पेक्टर सियारा है वो भाग चुकी है एंड भाई प्रोफेसर एंड मार्सिलिया उसका पीछा कर रहे हैं। एंड मैंने इसका एक ब्रेकडाउन भी किया, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा। अभी भाई रिसेंट टाइम में अपडेट ऐसे निकल कर आई कि आप लोग को इसी तरीके का एक और टीजर देखने को मिलेगा अक्टूबर एंड होते होते, बिकॉज भाई काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि उनको मनी हाइस्ट का जो वॉल्यूम 2 का ट्रेलर है वो कब तक देखने को मिलने वाला है। तो भाई अपडेट अगर सही होती है देन आप लोग को नवंबर के फर्स्ट वीक तक वो देखने को मिल जाएगा। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 4 की तो निकल कर आ रही मार्वल की अपकमिंग वेब सीरीज मिस मार्वल की तरफ से। मिस मार्वल भाई जो वेब सीरीज है उसका जो ट्रेलर है आप लोग को 12 नवंबर को देखने को मिल सकता है एंड उसी में आप लोग को इसका जो फर्स्ट लुक है वो भी रिवील करा जाएगा। तो भाई काफी सारी चीजें जो आप लोग को नवंबर में देखने को मिलेंगी, बिकॉज उस दिन डिज्नी सेलिब्रेट करेगा अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी एंड आप लोग को और भी कई सारी चीजें रिवील होती हुई दिखेंगी। तो अगर ये अपडेट सही होती है आप लोग को मिस मार्वल का जो ट्रेलर है वो इसी दिन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आप लोग को इसका फर्स्ट लुक भी देखने को मिल जाएगा। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 5 की निकल कर आ रही द फ्लैश की सोलो मूवी की तरफ से। भाई जो मूवी है ना इसका शूट एंड हो चुका है एंड जो लोग भाई इस मूवी का वेट करते हैं आप लोग के लिए गुड न्यूज है, बिकॉज अब ये जो मूवी अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में चली गई है एंड ये जो मूवी आप लोग को नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी, बट भाई इसका जो शूटिंग का वर्क है वो एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग इस मूवी का वेट कर रहे हैं देन आप लोग के लिए गुड न्यूज है ये। सो बात करें भाई लास्ट अपडेट अपडेट नंबर 6 की तो निकल कर आ रही पीकी ब्लाइंडर्स के भाई 6th सीजन की तरफ से। इसका जो शूटिंग का वर्क है पहले एंड हो गया था, उसके बाद से इसका जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है वो भी चल रहा है एंड ये जो सीरीज आप लोग को नेक्स्ट ईयर के मार्च में देखने को मिलेगी, अभी ये चीज भाई ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। प्लस भाई जो सीजन 6 होगा वो सीरीज का एंड नहीं होगा, इसके बाद फिर आप लोग को पीकी ब्लाइंडर्स की एक मूवी भी देखने को मिलेगी एंड इस चीज की जो इन्फॉर्मेशन भाई इसके मेकर्स ने खुद दी है। तो अगर आप लोग लाइक मान रहे थे कि सीजन 6 में आप लोग को पीकी ब्लाइंडर्स का एंड देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, आप लोग को अभी इसके ऊपर एक मूवी भी देखने को मिलेगी। एंड भाई इसकी मूवी के ऊपर मेरे को फ्यूचर में लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, अभी करंटली भाई ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हुई है, बट ये चीज कंफर्म है कि आप लोग को इसके ऊपर एक मूवी भी देखने को मिलेगी सीजन 6 के बाद। अब देखो भाई पीकी ब्लाइंडर्स की अगर मूवी आती है उससे पहले अगर इसे हिंदी डब हो जाती है देन आई थिंक काफी ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज काफी सारी ऑडियंस इस चीज का हिंदी डब का वेट कर रही है एंड जितनी अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को इसे हिंदी में देखने को मिल सकती है। सो अगर ऐसा होता है देन आई थिंक इसका जो ऑडियंस बेस है इंडिया में वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज सीरीज में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सो भाई इस वीक की स्ट्रेंज अपडेट में बस इतना है, अगर आप लोग को इस बार की अपडेट वीडियो अच्छी लगी है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी अगर पूछना है फिर बताना देन आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।